बिग बॉस 15 से एक बुरी खबर सामने आई है जिसने टीवी कलाकारों के रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल राकेश बापट को रातों रात शो से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। राकेश बापट बीते दिनों ही बिग बॉस 15 में शामिल हुए थे। उन्होंने खूब चर्चाएं बटोरी, लेकिन अचानक राकेश बापट को बुरी नजर लग गई। राकेश बापट की ऐसी हालत हो गई कि उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल किडनी में उठे दर्द के चलते राकेश बापट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राकेश की किडनी में उठा दर्द इतना ज्यादा था कि वो सह नहीं पाए और मेकर्स ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। राकेश बापट की तबीयत कैसी है इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फैंस घबराए बैठे हैं। बिग बॉस के अंदर का माहौल भी गर्म हो गया है। हर किसी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं कि अचानक सही सलामत इंसान को क्या हो गया है। अब बीते दिनों तो आपने जिस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में सुना था, उसके बाद तो बिग बॉस के घर के सभी कंटेस्टेंट डरे बैठे हैं। राकेश बापट इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। किडनी में उठे दर्द के चलते मेकर्स ने उन्हें घर से बाहर निकाल कर अस्पताल में भेजा है। राकेश कब तक ठीक होंगे और ठीक होने के बाद क्या वो शो में वापस आएंगे, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। राकेश बापट की स्थिति देखने के बाद मेकर्स आगे की प्लानिंग बनाएंगे। हालांकि राकेश के अचानक क्यू शो से बाहर होने की वजह से उनके फैंस काफी निराश थे, लेकिन जब मेकर्स ने उन्हें ये बात बताई तो हर किसी की हवाइयां उड़ गई। राकेश के फैंस को ये खबर मिली कि वो बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती है, तब से ही उनको लेकर दुआएं की जा रही है। राकेश के फैंस लगातार ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं और उनकी रिकवरी के लिए दुआएं कर रहे हैं। आप भी राकेश को लेकर दुआ करिए। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 15 में दो नई वर्ल्ड कार्ड एंट्री हुई है। शो में नेहा बजीन और राकेश बापट को बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट घर में लाया गया। राकेश के घर में आते ही शमिता शेट्टी खुशी से झूम उठी। इतना ही नहीं, बिग बॉस ओटीटी के बाद दोनों के बीच एक बार फिर से नजदीकियां देखी गईं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। राकेश की एक्स वाइफ रिधि डोगरा ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया। घर में आते ही राकेश के समिता से मिलकर इमोशनल होने का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। राकेश ने घर में एंट्री ली और समिता को गले लगाकर रोने लगे। उन्होंने सबके सामने समिता को किस किया। वहीं राकेश को देखकर समिता भी अपने आप को रोक नहीं पाई और वो भी रोने लगी। रिधि ने इसी वीडियो पर अपना रिएक्शन दिया। ने वीडियो पर अपना रिएक्शन देते हुए लिखा कि अच्छे से खेलो और अच्छे रहो, ऐसे ही खेलते रहना। रिधि का ये कमेंट कुछ और ही इशारा कर रहा है। रिधि का ये कमेंट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। बता दें, राकेश बापट और रिधि डोगरा की मुलाकात साल 2010 में टीवी शो मर्यादा के सेट पर हुई थी। इसके एक साल बाद यानी 2011 में दोनों ने शादी कर ली। राकेश और रिधि एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। फैंस को इनकी जोड़ी बहुत पसंद थी। यही वजह थी कि राकेश बापट और रिधि डोगरा ने जब शादी के 8 साल बाद तलाक लिया तो हर कोई शॉक रह गया और उन्हें गहरा धक्का लगा। राकेश और रिधि का साल 2019 में तलाक हो गया था। तलाक की वजह तो पता नहीं चल पाई, लेकिन आज रिधि के कमेंट से पता चलता है कि रिधि राकेश की इन्हीं हरकतों से परेशान होंगी, जो इस वक्त राकेश शमिता के साथ कर रहे हैं। राकेश पहले ही शमिता के साथ बात शेयर कर चुके हैं कि उन्हें एंजाइटी इश्यू भी है। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा था जब मैं लगातार 2 हफ्तों तक सो नहीं पाया था। मैं टूटने की कगार पर था। मेरी माँ और मेरी बहन मेरे लिए बहुत डरी हुई थी। मेरी स्थिति देखकर उन्हें शॉक लगा था। राकेश ने शमिता को आगे बताया कि उनके लिए जिंदगी में बैलेंस ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। एक तरफ पत्नी का तलाक और दूसरी तरफ पिता की मौत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। अब वो चाहते हैं कि जिंदगी में उन्हें कोई ऐसा मिले जो कम से कम एक बार तो उन्हें समझे। राकेश बापट का दुख सुनकर शमिता भी रोने लगी और उन्हें गले लगाकर हिम्मत देती नजर आईं। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस गौहर खान बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 15 को बड़ी ही बारीकी के साथ फॉलो कर रही हैं। बिग बॉस की विनर रह चुकी हैं गौहर खान और अक्सर सोशल मीडिया पर कंटेस्टेंट के प्रति अपने विचार शेयर करती रहती हैं। अब अपनी लेटेस्ट पोस्ट में गौहर खान जय भानुशाली का सपोर्ट करती दिखाई दी।
सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा वो शो में बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बिल्कुल भी कमजोर नहीं दिख रहे हैं। गौहर खान ने तेजस्वी प्रकाश को संडे के वीकेंड के बार एपिसोड के दौरान सलमान खान के साथ गलत लहजे में बात करने पर लताड़ भी लगाई। गौहर खान ने ट्वीट करते हुए लिखा, आपके बात करने के तरीके से आप जंग जीत सकते हैं और जीती बाजी हार सकते हैं। तेजस्वी प्रकाश क्यूट होने का मतलब बदतमीजी नहीं होती है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस जॉय के पास अमेजिंग लॉजिकल पॉइंट्स है। दबाव में बताओ, तुम्हारा चॉइस चॉइस है और जॉय का चॉइस सेफ खेल रहे हो। वाह तेजो वाह, तुम बहुत अच्छा खेल रही हो और लोगों के प्रति अपनी बातों से बहला रही हो। तुम्हारी ये बदतमीजी क्यूटनेस में नहीं बदल सकती है। वहीं दूसरे ट्वीट में गौहर खान ने जय भानुशाली का सपोर्ट करते हुए एक और ट्वीट लिखा और कहा, ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं दिख रहे हैं। मैं अपने शब्दों के साथ लोगों को एक निश्चित तरीके से टारगेट करना बंद करो। जय को उन्होंने थम भी किया। 14 फेरे की एक्ट्रेस ने उमर रियाज को स्विमिंग पूल में ढकेलने के लिए सिम्बा नागपाल की भी निंदा की। उनके ट्वीट में लिखा था, शारीरिक बल का प्रयोग करना पूरी तरह से गलत है। फिर कैसे संचालक हमेशा खड़े होकर एक कार के दौरान देख रहे थे, आवाज नहीं उठाते, स्टैंड नहीं लेते हैं। उमर को धक्का देना सिम्बा पूरी तरह से गलत है, ये सिर्फ एक अखाड़ा है। बिग बॉस 15 में ये सब देख के दुख होता है। गौहर खान ने साफ साफ तेजस्वी की धज्जियां उड़ा दी और वही तेजस्वी जिन्हें लोग क्यूट कह रहे थे उन्हें एंटरटेनमेंट का तड़का मान रहे थे, अब वही तेजस्वी लोगों की नजरों में गिर गई है। क्या वाकई में तेजस्वी क्यूटपन में बदतमीजी कर रही है? सलमान खान के कॉन्ट्रोवर्सियल शो बिग बॉस 15 को शुरू हुए अभी लंबा समय नहीं हुआ, लेकिन खबरों में आने लगा है कि शो में आने वाली लड़ाइयां दर्शकों को भा रही हैं और वो इस शो को खूब एंजॉय कर रहे हैं। बिग बॉस 15 में शामिल हुए कंटेस्टेंट में से कुछ ने तो दर्शकों के दिलों को जीत लिया है। इनके फिनाले में जाने की भविष्यवाणी होने लगी। इनमें से करण कुंद्रा का नाम भी खूब सुर्खियों में है, जो लगातार दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। शो में मौजूद कंटेस्टेंट में भी करण कुंद्रा काफी मशहूर हो रहे हैं। करण कुंद्रा का गेम प्लान देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें फिनाले तक जाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि करण कुंद्रा इतनी आसानी से बिग बॉस फिनाले में शामिल हो जाएंगे, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। बिग बॉस 15 के मेकर्स ने करण कुंद्रा के लिए खास प्लानिंग की है ताकि उनकी रातों की नींद उड़ जाए। जी हां, बिग बॉस 15 के मेकर्स शो में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाले हैं। दर्शकों के सामने जल्द ही एक हसीना आने वाली है जिसका करण कुंद्रा से खासा नाता बताया जा रहा है। जैसे ये हसीना शो में आएगी, करण कुंद्रा का पूरा गेम उलट पुलट हो जाएगा। खबरों की माने बिग बॉस 15 के मेकर्स ने करण कुंद्रा की एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर को बुलावा भेजा है। जी हाँ, शो में अनुषा दांडेकर की एंट्री होने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि अनुषा दांडेकर वाइल्ड कार्ड के जरिए बिग बॉस 15 में आएंगी और ग्लैमर्स का तड़का लगाएंगी। बिग बॉस 15 में शामिल होने से पहले ही करण कुंद्रा ने अनुषा से ब्रेकअप कर लिया। ये दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ऐसे में एक छत के नीचे दोनों को एक दूसरे को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखना होगा आने वाला वक्त इन दोनों को कहां तक ले जाता है। क्या फिर से इनका ब्रेकअप हो जाएगा या फिर वो बातें भी निकल कर आएंगी जो अब तक इनके फैंस को नहीं पता है।